स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउन डे टू, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहले पर्सनल प्रोनाउन स्टडी करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके तहत जो भी सब चैप्टर का आप स्टडी करते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आने वाला कुछ भी अछूता नहीं रहता, ये अश्योरेंस रहा है एम के मिश्रा का। मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर के दायरे में कंपटीशन प्रो के माध्यम से आप देख रहे हैं प्रोनाउन डे टू। पढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें प्रोनाउन में हम लोग आ रहे हैं तो अपना पॉइंट कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में दर्शाया हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन में एक बहुत बढ़िया वर्ड छुप कर बैठा है, जिसका नाम है पर्सन। पर्सन तीन तरह के होते, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन्स के ही फॉर्मेशन को पर्सनल प्रोनाउन माना जाता। ध्यान रखा जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। थोड़ा सा इसके बारे में विचार कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि द स्पीकर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब इसके तहत यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर वक्ता जो हुआ वो फर्स्ट पर्सन हुआ, श्रोता जो हुआ वो सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में हम कुछ कहे वह थर्ड पर्सन। तो बताया जाए कि मैं यहां पर क्या हुआ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। आप क्या हुए, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हुए। और जिसके बारे में बोला जाए, कोई व्यक्ति या वस्तु, वो क्या हो गया, तो थर्ड पर्सन हो गया। अब सोचा जाए कि यदि मैं यहां वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं अपने लिए कौन कौन सा प्रोनाउन, कौन कौन सा वर्ड लगा सकता हूं। तो अपने लिए कहूंगा मैं, हम लोग, हम सब, और इनका अंग्रेजी क्या होता है, तो आई और वी। यही वजह है कि आई और वी को क्या माना जाता, आई एंड वी, ये है फर्स्ट पर्सन। जब आप श्रोता हैं, आपको हम बोल रहे हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो वर्ड आएगा वो यू हो जाएगा, और यू के लिए यहाँ पर हमारा पर्सन कौन कहलाएगा, सेकंड पर्सन। और जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जिस वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे, उसको कहेंगे ही, सी, इट, दे। मतलब यह है कि यह, वह, उन, वे लोग, ये सब। तो याद रखा जाए, बाकी जितना फॉर्मेट बचा सब थर्ड पर्सन के ही दायरे में माना। यहाँ तक कि कोई नाउन का भी चर्चा करेंगे तो नाउन भी थर्ड पर्सन ही माना जाएगा। ध्यान रखा जाए कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ये पॉइंट आउट कर दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही सेंस देता है। हम यदि डेमोन्स्ट्रेटिव में भी कहते हैं तो पॉइंट आउट करते हैं, यह, वह, दिस, दैट, दिस, दोज, लेकिन सेंस वैसा ही देता। थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज है, वो सब चर्चा आगे करेंगे। अभी सीधा बात ये समझिएगा कि आपका पर्सन्स में तीन फॉर्मेट आया, जिसमें फर्स्ट पर्सन में क्या आया, तो फर्स्ट में हमारा आई आया और वी आया। अब ध्यान दीजिए, यदि हम सेकंड में निकाले तो यहाँ यू आया, और जब हम थर्ड पर्सन में आ गए तो यहाँ ही आया, सी आया, ईट आया, दे आया। ध्यान दें, कहीं कहीं वन की भी चर्चा होती है, परंतु वन को इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ना ज्यादा बेहतर माना जाता। थोड़ा सा विचार कीजिए, ध्यान रखा जाए
कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन्स, पर्सनल प्रोनाउन तीनों पर्सन्स पर आधारित होता तो आपका आई वी फर्स्ट पर्सन निकला, यू सेकंड पर्सन निकला, ही सी इट दे थर्ड पर्सन निकला। अब जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, यह याद रखा जाए कि किसी नाउन के नंबर के आधार पर, नाउन के जेंडर के आधार पर और नाउन के केस के आधार पर अपना संरचना तैयार करता। नंबर आप जानते होंगे कि नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, आप जानते होंगे कि जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर होता है, आपको पता होगा या नहीं, खैर आगे चर्चा करेंगे केस चैप्टर में आगे, कि केस जो होते हैं वो तो ऐसे मूलतः तीन फॉर्मेट में माने जाते हैं, जैसे जब यही प्रोनाउन, यही नाउन किस किस जगह पर सेंटेंस में आ सकता उसके आधार पर केस का निर्धारण होता। तो ध्यान रखा जाए कि कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट का जगह ले सकता है, तो सब्जेक्ट का जगह जब लेगा तो इसी को सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। सब्जेक्टिव केस का ही एक और भी नाम है नोमिनेटिव केस। ध्यान दें, सेकेंड स्टेज होगा कि कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट के जगह पर आ सकता है। पर्सनल प्रोनाउन यानी तीनों पर्सन सब्जेक्ट का जगह ले सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन का अगर बात करें तो वो सब्जेक्ट का जगह ले सकता है, वह ऑब्जेक्ट का जगह ले सकता है, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो इसी को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का ही नाम एक्यूजेटिव केस भी है। और भी सारा है, पॉइंट चर्चा करेंगे जब केस चैप्टर बात करेंगे। नहीं तो एक तीसरा भी फॉर्मेट हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट का जगह ले सकता है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का जगह ले सकता है, और नहीं तो ये पोसेशन अपना अधिपत्य दर्शाने के लिए भी आ सकता है। यदि मैं कहूं आई तो सब्जेक्ट में के रूप में कहूंगा तो आई यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर हो जाए, मैं ही रिसीवर हो जाऊं एक्शन का तो मी हो जाऊंगा, और ध्यान रखा जाए कि जब अपने अधिपत्य का बात करूंगा, पोसेशन का बात करूंगा, तो वही आई माई में बदल जाएगा या माइन में बदल जाएगा। यानी कहीं भी पर्सनल प्रोनाउन का जगह अगर मिलेगा तो तीन ही स्ट्रक्चर में मिल सकता है, सब्जेक्ट के जगह पर तो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और यदि पसेशन दर्शाएगा, अधिकार दर्शाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसे पसेसिव केस या उसी को जेनिटिव केस कहा जाता। देखिए, डेटिव केस भी होते हैं, वोकेटिव केस भी होते हैं, लेकिन वो चर्चा करेंगे हम अभी नहीं चैप्टर केस में। अभी सीधा सीधा बात समझिए कि सब्जेक्ट के जगह पर रहा तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट के जगह पर रहा तो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, और पसेशन दर्शाएगा तो पसेसिव, और यही तीन जगह पर वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन मूलतः दिखाई दे सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन, तीनों पर्सन का। अब इन्हीं का चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से। ध्यान दिया जाए, पर्सनल प्रोनाउन है, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन। उन तीन पर्सन में क्या है, तो पहला है फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, द प्रोनाउंस विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, यानी वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो कहें, जो वक्ता के रूप में हो, जो बोल रहा हो, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के दायरे में क्या क्या आया, तो आई आया और वी आया। सेकंड पर्सन कौन है, तो कह रहा है कि द प्रोनाउंस विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बोल रहे हैं, यानी जो श्रोता हो गया वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। इसके लिए वर्ड कौन सा आता है, तो याद रखा जाए कि सेकंड पर्सन के लिए आपका यू ऑप्शन है, यानी यू को क्या बोला जाता है, ध्यान दें, सेकंड पर्सन।
और जब हम थर्ड पर्सन की चर्चा करेंगे तो बनेगा ही सी इट दे द प्रोनाउंस विच डिनोट द पर्सन और पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन ऑफ और अबाउट, जिसके बारे में चर्चा करें, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करें, जिस वस्तु के बारे में चर्चा करें, जिसके बारे में हम बोल रहे हो वो कौन होता? थर्ड पर्सन। उसके लिए हम ही प्रयोग करते हैं। पुरुष होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, स्त्री होगी तो सी का प्रयोग करेंगे, जानवर निर्जीव ये सब आ जाएं तो उनके लिए इट का भी प्रयोग होता है। प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन में सभी के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। इनका चर्चा आप और देखेंगे जब यूजेज में आगे बढ़ेंगे, ध्यान दिया जाए। अब इसी तीनों पर्सन्स को हम केस चार्ट के रूप में आपको दिखा देते हैं। यदि केस चार्ट के आधार पर थोड़ा बहुत आप भी अगर इधर उधर गए तो वो सेंटेंस आपका गलत माना जा सकता है। तो जिसमें फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर में बात कर रहे हैं तो आई हो गया, एक व्यक्ति के लिए आई हो गया। यदि यही आई का पसेसिव फॉर्म में अधिपत्य वाली बात आने लगेगी तो यही आई माई में बदल जाएगा या माइन में बदल जाएगा। अब कहां माई होगा कहां माइन होगा यह मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी इतना समझिएगा कि आई का पसेसी माई माइन, ऑब्जेक्ट के जगह पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करना होगा तो वही आई मी में बदल जाएगा। वी हो गया इसका प्लूरल फॉर्म फर्स्ट पर्सन में। यदि पसेसिव का बात करेंगे तो आवर और आवर्स होता है और ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज करेंगे तो यही वी अस में बदल जाएगा। ध्यान दें, सेकंड पर्सन का बात है तो यू हमारा सेकंड पर्सन है। जब पसेसिव में बात किए तो यू का पसेसिव हमारा योर हुआ या योर्स हुआ। ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो वही यू यू ही रह जाता, यू सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही है। थर्ड पर्सन पर जा रहे हैं तो ध्यान दें, यदि सिंगुलर में अगर मैस्कुलिन के लिए बात करना हो, किसी पुरुष जात के लिए बात करना हो तो ही का प्रयोग करेंगे, पसेसी में यह हीज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट में बात करेंगे तो ही को हिम में बदलना पड़ेगा। अगर हम फेमिनिन में बात करेंगे, किसी नारी के लिए बात करेंगे तो सी हो जाएगा, सी का पसेसिव हर और हर्स हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में सी को हर में बदल दिया जाता। अगर किसी नॉन लिविंग के लिए बात करेंगे तो इट का प्रयोग होगा सिंगुलर में और पसेसिव में इट्स, ऑब्जेक्ट में भी इट, यानी सब्जेक्ट भी इट ऑब्जेक्ट भी इट। ई का इट का रेंज बहुत बड़ा है, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। और जब इन तीनों का प्लूरल अगर हो जाए तो तीनों के लिए प्लूरल फॉर्म में दे का प्रयोग किया जाता है। याद रखा जाए, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए दे का प्रयोग करते हैं, पसेसिंग में देयर्स और ऑब्जेक्ट में यूज करना हो तो देम का प्रयोग किया जाता। यही चीज तो अभी आपको हम समझा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर आगे आपको हम चर्चा में बढ़ाते हैं। कह रहा है कि द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन आर यूज्ड लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यह सेंस डेमोन्स्ट्रेटिव का देता है, डेमोन्स्ट्रेशन करने का काम करता है। थर्ड पर्सन का यदि चर्चा करें प्रोनाउन का तो, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव है नहीं, सेंस डेमोन्स्ट्रेशन का देता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में तो आप दिस दैट दिस दोज सच आप इंट्रोडक्शन में देखे हैं, मिलेंगे इन सब पर चर्चा करेंगे आगे जब स्टेप्स बढ़ाएंगे। ऑल द नाउन्स आर केप्ट इन थर्ड पर्सन। हमने ये भी चर्चा आपको अभी अभी कहा कि जितने नाउन हैं उनको थर्ड पर्सन के कैटेगरी में ही रखा जाता, यानी ही सी इट दे वन दे इन सबके अलावा यदि अगर नाउन का भी चर्चा करेंगे तो वह नाउन कहां जाएगा? थर्ड पर्सन। आगे बढ़ता हूं।
अब कह रहा है कि ये प्रोनाउन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द नंबर जेंडर एंड केस ऑफ इट्स नाउन, प्रोनाउन किसके अनुसार अपना हरकत करता है, तो अपने नाउन के नंबर के आधार पर, नाउन के पर्सन के आधार पर, नाउन के केस के आधार पर, नाउन के जेंडर के आधार पर। पढ़ते हैं, अब यहां से हम आगे स्टेप पर चर्चा करेंगे। अब यहां में, यहां पर आपने साफ साफ ये बात समझ लिया कि आई हो गया फर्स्ट पर्सन, वी हो गया सेकंड पर्सन, पसेशन ऑब्जेक्टिव देख ही लिए, थर्ड पर्सन में ही हो गया पुरुष के लिए, सी हो गया स्त्री के लिए, ईट हो गया निर्जीव के लिए, तीनों का प्लुरल दे हो गया, लेकिन ईट का रेंज मैं बोला हूं कुछ बड़ा है, इसलिए चलते हैं ईट की दुनिया में, फिर स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, आप में से यदि किसी का बेसिक कमजोर भी है तो उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह जो कोर्स आप देख रहे हैं यह आपको बॉटम टू टॉप लीड करेगा। कोई छोटा से छोटा एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, जिस एग्जाम को आप कवर करना चाहते हो, आपके रेंज से बाहर ग्रामर का टॉपिक ऐसे नहीं जाने वाला। आपके रेंज से फुल प्रिपरेशन जो है, एग्जाम के क्वेश्चंस आपके रेंज से बाहर नहीं जाने वाले। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी बोल्ड एंड बी रेडी फॉर एग्जामिनेशंस। पढ़ते हैं आगे। देखिए, ईट के प्रयोग में थोड़ा सा विचार कीजिए। सबसे पहला एक बात आता है कि ईट का प्रयोग किसी नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाएगा, कब, जब वो सिंगुलर रहेगा तब। फर्स्ट स्टेप में यह बात लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि किसी निर्जीव के लिए सिंगुलर रहे तो ईट का प्रयोग किया जाता। मेरे पास एक कलम है, यह काली है, आई हैव अ पेन, इट इज रेड, इट इज ब्लैक, इट इज येलो, इट इज व्हाइट, कुछ भी बोल सकते। तो पेन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए नॉन लिविंग के लिए, फिर हमारा प्रोनाउन क्या आया, तो ईट आया। मेरी एक कार है, बहुत महंगी है, आई हैव अ कार, इट इज वेरी कॉस्टली। तो ऐसी स्थिति में ईट हमारा कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन लिविंग अगर सिंगुलर नंबर है तो ईट का प्रयोग किया। इसी बात को यहां देखिए पीडीएफ के माध्यम से दर्शाया गया। करे कि फॉर ए सिंगुलर नाउन विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ उसी को हमने नॉन लिविंग कहा है। ध्यान दिया जाए, करे कि दिस इज अ न्यू बाइक, यू कैन राइड इट इजली। कह रहा है क्या कि यह नई बाइक है, आप आसानी से इसको चला सकते हैं। तो इस बाइक के लिए ही तो हमने यहां ईट लगाया। तो याद रखा जाए कि बाइक नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, और ऐसी स्थिति में उसके लिए ईट का प्रयोग किया गया। स्टेप नंबर टू पर बढ़ते, याद रखा जाए किसी एनिमल के लिए भी हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब हम उसका जेंडर डिटरमिन न करना चाहते हो तब। काऊ के लिए सी लगेगा, ऑक्स के लिए ही लगेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखा जाए उन दोनों के लिए इट का भी प्रयोग हो सकता है। मैं कहूं कि मेरे पास एक कुत्ता है, वो काला है, आई हैव ए डॉग, आप कह सकते हैं कि ही इज ब्लैक इन कलर, और नहीं तो कह सकते हैं कि इट इज ब्लैक इन कलर, उस कुत्ते के लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है। वहां ही भी चलेगा, वहां ईट भी चलेगा। यदि आप सेक्स डिटरमिन करके वो बोलना चाहते हैं तो ही का प्रयोग करें, और ध्यान रखा जाए यदि आप सेक्स डिटरमिन नहीं करना चाहते हैं तो एनिमल के लिए आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक गाय है, वो बहुत सीधी है स्वभाव से, आई हैव अ काऊ, सी इज वेरी जेंटल,
और नहीं तो कहेंगे कि आई हैव अ काऊ, इट इज वेरी जेंटल, तो वहां सी कब यूज करेंगे जब हम उसका सेक्स डिटरमिन करते हुए कह रहे हैं, और यदि हम नहीं दर्शाना चाहते तो सीधा बात कह सकते कि आई हैव अ काऊ, इट इज वेरी जेंटल, यानी वहां सी भी हो सकता और इट भी हो सकता। इसी चीज को यहां पर चर्चा किया गया है सेकेंड स्टेप पर, थोड़ा सा देखिएगा। फॉर एन एनिमल इफ वी डू नॉट डिटरमिन सेक्स मेल और फीमेल, यदि हम उसका सेक्स डिटरमिन नहीं करना चाहते कि वो मेल है कि फीमेल, तो ऐसी स्थिति में हम इट का प्रयोग एनिमल के लिए कर सकते हैं। ध्यान दें, आई हैव ए पेट डॉग, आई कांट लिव विदाउट इट, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो एक बात बताया जाए, आई कैन नॉट लिव, मैं नहीं जी सकता विदाउट इट, किसके बिना, तो उस कुत्ते के बिना, तो उस कुत्ता के लिए हम आगे चर्चा किए तो इट का प्रयोग कर सकते, इट का प्रयोग हुआ है, ध्यान दिया जाए। फिर आप थर्ड स्टेप पर जा रहे हैं, तो किसी बच्चे के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कंडीशन सेम है, इफ यू डोंट वांट टू डिटरमिन द सेक्स वेदर दैट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन, यू आर नॉट गोइंग टू डिटरमिन, इन दैट कंडीशन यू कैन श्योरली यूज इट फॉर दैट। मेरा एक भतीजा है, बहुत नटखट है, आई हैव अ नेफ्यू, ही इज वेरी नॉटी, और नहीं तो वहां पर ईट का प्रयोग भी हो सकता, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए ईट का भी प्रयोग होता, आई हैव अ नेफ्यू, इट इज वेरी नॉटी। तो ही कब बोले, जब सेक्स डिटरमिन करके बात कर रहे हैं तब ही बोलेंगे, और यदि सेक्स डिटरमिन नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के लिए भी आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं, तभी तो हुआ इट इज वेरी नॉटी। ध्यान दिया जाए, बात हो रहा है, कह रहा है कि फॉर ए यंग चाइल्ड इफ वी डू नॉट विश टू डिटरमिन सेक्स मेल और फीमेल, सी हैज अ लिटिल बेबी, उसका एक छोटा बच्चा है, सी फीड्स इट रेगुलरली, वह रोज उसे दूध पिलाती है। एक बात बताइएगा, सी हैज ए लिटिल बेबी, उसका एक छोटा बच्चा है, हम यह नहीं कहने जा रहे कि वो बेबी मेल है कि फीमेल है, तो सीधे उसके लिए यूज कर सकते हैं कि उस बेबी के लिए कि सी फीड्स इट, किसको फीड करती है, तो बच्चे को, तो उस बच्चे के लिए हम क्या यूज कर दिए, इट। साफ साफ समझिएगा कि यदि हम बच्चे के लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं, कब, जब हम उसका सेक्स डिटरमिन न करना चाहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दिया जाए कि प्राकृतिक नियमों को, सिद्धांतों को, कोई प्राकृतिक नियम, सिद्धांत, कोई घटना कोई इंट्रोड्यूस करना हो तो इट का प्रयोग कर सकते हैं। नेचुरल रूल, नेचुरल इवेंट, उसके दायरे में आप वेदर, आप टाइम, आप कंडीशन, सब कुछ और नेचुरल थिंग सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, 8 बज रहा है, इट इज 8 o'clock, बहुत गर्मी है यार, इट इज वेरी हॉट टुडे, बहुत ठंडा, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक नियम कानून सिद्धांतों को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का सहारा लिया जा सकता है। ध्यान दें, यही बात यहां पर हो रहा है, कह रहा कि टू स्पीक ऑफ नेचर, वेदर और टाइम, हाँ ध्यान दें, प्राकृतिक चीजों के बारे में, प्राकृत के बारे में, समय के बारे में, मौसम के बारे में अगर कुछ चर्चा करना हो तो इट से इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। कह रहा कि इट इज 5 o'clock, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज रेनिंग नाउ, ध्यान दें समय के लिए यहाँ इट का सहारा लिया गया, इट का प्रयोग यहाँ पर वेदर के लिए किया गया, यहाँ भी
नेचुरल एक्शंस के लिए किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ईट का सहारा लिया जाता है। आप समझिए कि प्राकृतिक चीजों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दिया जाए, कभी कभी इम्फैटिक संरचना दिया जाता। इम्फैटिक क्या होता है? जोरदार, इम्फेसाइज करना हो किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर, किसी नाउन पर, प्रोनाउन पर, तो उस इम्फेसिस के लिए आप सब्जेक्ट इट को बना लीजिए बी फॉर्म के साथ। बी फॉर्म में आता है पांच स्ट्रक्चर, जैसे कि हर वर्ब के होते V1, V2, V3, V4, V5, इसमें एम आर और बी, V1 आता है, वॉज वर V2 आता है, बीन V3 आता है, बींग V4 आता है और इज V5। मूल रूप से यदि आप चर्चा करेंगे तो आपको चर्चा ऐसे करना पड़ेगा कि ईट के बाद इज या वॉज आता है तब सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, यहां दूसरा बी नहीं आएगा, केवल इट के साथ इजी आवाज आएगा। आप कहिएगा कि सर ये कैसा स्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं, यहां वर्ब के पहले तो इट सब्जेक्ट है ही, वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट है। हम बोले हाँ, पूरे अंग्रेजी में दो तीन ही ऐसे जगह हैं जहां वर्ब के बाद भी नॉमिनेटिव यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव यूज किया जाता है, उसी में एक है इम्फैटिक। लोग कहते हैं मैं ही तो हूं जो ये सवाल बना सकता हूं, इट इज आई हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब वहां पर यदि लिख दे इट इज मी, तो ध्यान दें कई किताब में ये चर्चा है कि इट इज आई भी सही है और इट इज मी भी सही है, परंतु एग्जाम मी को एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी एग्जाम में आपको चर्चा करना होगा तो एग्जाम में जब भी चर्चा कीजिएगा तो इट इज आई का प्रयोग कीजिएगा। वही है जो ये काम कर सकता है, दूसरा किसी से नहीं होगा। इट इज ही हु कैन डू दिस वर्क, आप ही हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। इट इज यू, राम ही है जो दिल्ली जा सकता है। इट इज राम हु कैन गो टू दिल्ली। तो इम्फेसाइज करना होगा तो इट के साथ इज वॉज प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता। तो यहां पर भी इट दिखा ना इम्फेटिक के लिए। अब यही पॉइंट आपको यहां दर्शाया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टू मेक इम्फेसिस टू ए नाउन और प्रोनाउन, इट प्लस बी वर्ब, बी वर्ब वही इज या वॉज का चर्चा किए हैं, प्लस नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस जो मैं बोला हूं उसी फॉर्मेट में आना होगा। ध्यान दे, इट इज आई हु कैन डू दिस सम, मैं ही हूं जो यह क्वेश्चन बना सकता हूं, यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। इट वॉज यू, आप ही थे हु मेड दिस ब्लंडर, जो इतनी बड़ी गलती किए। कह रहा है कि इट वॉज इन दिल्ली दैट ट्रीटी वॉज साइंड, वो दिल्ली जगह था जहां की ट्रीटी साइन किया गया, समझौता या उसे कहें एग्रीमेंट साइन किया गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस की हम चर्चा करें, ऑलरेडी सेंटेंस की चर्चा करें और स्टेटमेंट की चर्चा करें, किसी इवेंट की चर्चा करें और इस पूरे इवेंट के बदले आगे कोई स्टेप लेना हो, तो फिर इन पूरे घटना के लिए ईट आ सकता। राजू ने ये कलम चुराया है और मैं ये बात जानता हूं। राजू हैज स्टोलन द पेन एंड आई नो इट। एक बात बताया जाए, आई नो इट, मैं यह जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? तो जो घटना पहले चर्चा हुआ कि राजू हैज स्टोलन द पेन, ये बात मैं जानता हूं। इस इवेंट के बदले अकेला एक वर्ड कौन आया? जरा सा सोचा जाए, मोहन एक आलसी लड़का है, यह बात सत्य है। तो मोहन एक आलसी लड़का है, इस पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का प्रयोग हो सकता है कि मोहन इज अ लेजी गाय, इट इज ट्रू। तो
ऐसी स्थिति में इट का प्रयोग कर सकते हैं पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यही चीज यहां दिखाया गया है कि टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, पहले जो कोई स्टेटमेंट दिया गया हो उस स्टेटमेंट के बदले उसको रिप्रेजेंट करना हो तो इट से रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है। थोड़ा सा विचार करें, ही इज कैपेबल ऑफ बाइंग अ न्यू कार एंड आई नो इट, वह कार खरीदने में सक्षम है, कार खरीदने का औकात रखता है और मैं यह जानता हूं। आई नो इट, मैं ये जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? तो मैं जानता है बस यही हूं कि वह कार खरीदने में सक्षम है। इस पूरे स्टेटमेंट के बदले हम क्या यूज कर दिए? इट। तो यही तो बात अभी बता रहे थे आपको, ध्यान दे। सीता हैज मेड अ गुड रिप्लाई, सीता ने शानदार जवाब दिया है। एंड आई लाइक इट, और मैं ये पसंद करता हूं। अब एक बात बताया जाए कि आई लाइक इट, मैं यह पसंद करता हूं, इट किसके लिए है, मैं क्या पसंद करता हूं? तो सीता ने जो जवाब दिया है, यह घटना मैं पसंद करता हूं, यह स्टेटमेंट मैं पसंद करता हूं, तो पूरे स्टेटमेंट के लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी ईट आता है। देखिए, इंट्रोडक्टरी दो चीज होती है अंग्रेजी में मूलतः, वो होता है इंट्रोडक्टरी ईट, सेकंड है इंट्रोडक्टरी देयर। अब इंट्रोडक्टरी ईट और इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में आपको आगे चर्चा करूंगा, लेकिन ध्यान दिया जाए कि यदि किसी चीज को अगर उसका अपना सब्जेक्ट न हो और उसके लिए टेम्पररी सब्जेक्ट ऐड करना पड़ जाए तो वह इंट्रोडक्टरी माना जाता। तो उस इंट्रोडक्टरी के लिए आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्टरी एक स्टेप के लिए नहीं होता, इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करेंगे तो ईट किसके आधार पर होता है? तो ईट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होता, लेकिन इंट्रोडक्टरी देयर जब आता है तो उसका जो वर्ब है उसका निर्धारण उसके आगे आने वाले नाउन प्रोनाउन के आधार पर होता। परंतु अभी उसका चर्चा करने का वक्त नहीं है, अभी इतना समझिए, कह रहा है क्या कि एज ए प्रोविजनल और टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, और उसके बाद से उसका अगला जो सब्जेक्ट है आगे बढ़ जाता। कह रहा है क्या क्या, ध्यान दिया जाए कि इट इज इजी टू से दिस कोटेशन, यह कोटेशन कहना आसान है। ध्यान दिया जाए, इस कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपने एक प्रेपरेटरी सब्जेक्ट और स्टेटमेंट जारी किया, इट इज इजी। इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टू डू दिस वर्क इज डिफिकल्ट, बट दैट इज ओल्ड फैशन इंग्लिश, या ओल्ड इंग्लिश में होता था, आज मॉडर्न एज में, आज मॉडर्न इंग्लिश में ईट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोड्यूसिंग किया जाता है। ध्यान दिया जाए, अब कह रहा है इसी को कि इट इज इजी टू से दिस कोटेशन, यह कोटेशन कहना आसान है, इसी को कह सकते हो कि टू से दिस कोटेशन इज इजी, लेकिन ओल्ड फैशन्ड है। इट इज सर्टेन दैट यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, निश्चित है कि आपको नई जॉब मिलेगी। तो ध्यान दिया जाए कि ऐसी स्थिति में इट इंट्रोड्यूसिंग हो गया, उसी के सेंस में प्रेपरेटरी सब्जेक्ट या इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये भी इंट्रोडक्टरी का पार्ट है और ये भी इंट्रोडक्टरी का ही पार्ट है, लेकिन यहां इन्फिनिटी के साथ आया, यहां जेरंड के साथ आया। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, कह रहा है कि ऐसे प्रेपरेटरी सब्जेक्ट विद जेरंड, जेरंड क्रिया में आई एनजी, वी वन आई एनजी, ध्यान दें। इट इज वेरी नाइस टॉकिंग टू पीपल लाइक यू, आप जैसे लोग से बात करने में बड़ा मजा आता है। तो एक बात बताया जाए, आप जैसे लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है, तो कह रहा है कि इट इज नाइस, इट इज गुड। तो अब यदि बात कर रहे हैं कि पहले हम तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नई सेक्शन को, इट इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लगता है, किस चीज में क्या बढ़िया लगता है, तो टॉकिंग टू पीपल लाइक यू,
इट इज क्रेजी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच देखना शानदार चीज होता है, तो शानदार चीज क्या होता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर इट इज का प्रयोग किया जाता है. ध्यान दिया जाए, इसी चीज को एक दो स्टेप पर और बढ़ाया गया है. सब प्रेपरेटरी और इंट्रोडक्टरी ही सब्जेक्ट हैं. ध्यान दें, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, इट इज टाइम आता है, इट इज हाई टाइम होता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, और तब सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है. काश मैं स्कूली छात्र होता. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, आई वर ए स्कूल बॉय. इमेजिन करने के लिए आता, जब इमेजिन में आएगा तो हर जगह वर का प्रयोग किया जाता, होना बनना के सेंस में. काश मैं दिल्ली चला जाता. इट इज हाई टाइम आई वेंट टू दिल्ली, इट इज टाइम आई वेंट टू दिल्ली. अब यहां पर यदि बात आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी इट इज टाइम का प्रयोग, इट इज हाई टाइम का प्रयोग किया जाता है. यह भी एक तरह से प्रिपरेटरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी है. इट के बाद यहां पर ध्यान दें, बी फॉर्म इज आर इज वॉज जो लगाइए, उसके बाद एडजेक्टिव, तब प्रेपोजिशन भी ऐड करके नाउन प्रोनाउन, और ये इंडेफिनिट नहीं सॉरी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है. गलती से यहाँ टाइप हो गया है, यहाँ इन्फिनिटिव है. आप इन्फिनिटिव यूज कर सकते, आपके लिए वहां जाना खतरनाक होगा. इट इज डेंजरस फॉर यू, इट इज डेंजरस. जरा सोचे, इट इज डेंजरस फॉर यू टू गो देयर. आपके लिए नया कार खरीदना फायदेमंद होगा. इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू बाई अ न्यू कार. आप इस स्टेप को यहां दर्शा सकते. इन सब का एग्जाम्पल देखिए, इट इज हाई टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. काश वो अपना गलती मान लेता, रियलाइज कर लेता. इट इज गुड फॉर यू टू बाई अ न्यू कार. आपके लिए नया कार खरीदना अच्छा होगा. फिर कह रहा है कि इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी. आपकी मेहरबानी है जो आपने मुझे मदद किया. आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन के तहत इट का प्रयोग. आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन. जितने नेम हैं वो थर्ड पर्सन. अब यहां से एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी चीज आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ध्यान दें, आप सुपर फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं. इसके तहत जो चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर्स का बॉटम टू टॉप आपको लीड किया जाएगा. किसी भी एग्जाम के लिए आपका कोई भी टॉपिक अछूता नहीं रहेगा. अश्योरेंस रहा एमके मिश्रा का. ध्यान दें, अब यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम देख लिए, इसी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस क्वेश्चंस के फॉर्मेट को और आगे बढ़ाते हैं. ध्यान दें, यदि भिन्न भिन्न तरह के पर्सन एक साथ वाक्य में आ गए, भिन्न भिन्न तरह के पर्सन यदि एक साथ वाक्य में आ गए, तो एक बात बताइए, भिन्न भिन्न तरह के पर्सन कितने? अरे तीन ही ना. आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, ही सी इट दे थर्ड, नेम भी थर्ड. तीन को बढ़ाकर चार तो नहीं हो सकता, लेकिन यही यदि डिफरेंट वे में एक साथ आ जाए, तो जनरल रूल कहता है कि इनका जो सजावट होना चाहिए वह 2 3 1 का ऑर्डर होना चाहिए. यदि सेम सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, अलग अलग पर्सन आ जाए, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम टूगेदर इन द सेम सेंटेंस, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट इन 2 3 1 ऑर्डर. एट फर्स्ट सेकेंड पर्सन, देन आफ्टर थर्ड पर्सन, एंड एट लास्ट यू हैव टू यूज फर्स्ट पर्सन. 2 3 1 ऑर्डर पर चलना है. अब जरा सा सोचा जाए, यदि मैं कहूं कि राम आई एंड यू, राम आई एंड यू हैव प्लान्ड टू विजिट आगरा. अब जरा सा सोचिएगा, कह रहा है कि राम मैं और आप आगरा जाने का प्लानिंग किए हैं. थोड़ा सी एक बात हमको बताइएगा, राम कौन सा पर्सन है? तो थर्ड पर्सन है.
आई कौन सा पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है तो सेकंड पर्सन है। तो क्या हम 312 का फॉर्मूला बताएं, 312 ऐसा तो नहीं बोले हैं। हमने आपको जो बताया है वह है 231, 231 का फॉर्मूला हमने आपसे चर्चा में कहा। तो ऐसी स्थिति में इसका सही अरेंजमेंट होना चाहिए, यू, इसके बाद थर्ड पर्सन तो क्या होगा, राम, एंड आई। यानी ये स्ट्रक्चर हमारा गलत है, सही होना चाहिए कि यू, राम एंड आई हैव प्लान टू विजिट आगरा। यू हो गया सेकंड पर्सन, राम हो गया थर्ड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई हो। यदि यह अरेंजमेंट उल्टा हो रहा हो तो कॉमन एरर की संभावना नहीं, समझिएगा यकीनन कॉमन एरर है। एरर है, एरर की संभावना शब्द नहीं, कंप्लीटली वो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखिएगा उस कंफ्यूजन से बचना है और आपको 231 के ऑर्डर पर काम। थोड़ा सा विचार कीजिएगा इसी टॉपिक को, यहां एग्जाम्पल के माध्यम से पीडीएफ पर दर्शाया गया। इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस आर अरेंज्ड इन 231 सीक्वेंस, यदि भिन्न भिन्न तरह के पर्सन्स आ जाएं तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 231। अब ध्यान दें, कह रहा है कि ही, आई एंड यू हैव कम हियर विद गुड प्रेपरेशंस, वह, मैं और आप बढ़िया प्रेपरेशंस करके आए हैं। तो एक बात बताया जाए कि ही क्या हो गया बाबू, तो थर्ड पर्सन, आई क्या हो गया तो फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया तो सेकंड पर्सन। तो क्या हम 312 का फॉर्मूला बोले थे, तो नहीं। यहां होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई। तब कह रहा है कि कम ही विद गुड प्रेपरेशंस, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हैव छूट गया हैव कम ही विद गुड प्रेपरेशंस, तो याद रखा जाए कि 231 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब यहां पर स्ट्रक्चर तो हम बता दिए, एक स्टेप और आपको बढ़ा देते हैं, आपके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा 231 का अगर स्ट्रक्चर आया तो कब, जब तीनों रहा तब। बाई द वे तीनों न रहकर कोई दो स्टेप ही रहे, कोई दो पर्सन ही रहे, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए कि यदि ये फर्स्ट पर्सन न रहा तो हमारा यह दो गो रहेगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा 23 का। यदि हम कहें इस स्थिति में कि राम एंड यू हैव प्लान टू विजिट आगरा, तो ऐसी स्थिति में यह बनावट गलत माना जाएगा। सही क्या बनेगा, तो राम एंड यू नहीं बल्कि यू एंड राम, यह पार्ट गलत है, यह पार्ट सही हो जाएगा। और हम लोगों के तो दिमाग में इतना जाता ही नहीं है बात कि यू एंड राम लिखे या राम एंड यू लगी लिखे, देखने में एक ही जैसे लगता है। नहीं, कभी एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ये ग्रामेटिकली गलत होगा। ध्यान दीजिए, यदि इसमें सेकंड पर्सन न रहे तो फिर हमारा फॉर्मूला 131 का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आई एंड राम बोल दूं तो ये भी बनावट गलत कहलाएगा, क्योंकि ये तो 1-3 का फॉर्मूला हो गया, होना चाहिए ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर गलत, सही होगा राम एंड आई। अब हमारा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो यदि हमारा थर्ड पर्सन ये न रहा तब तो फिर हमारा फॉर्मूला 21 हो गया, आई एंड यू ये कहना गलत होगा, सही होगा यू एंड आई। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जनरल रूल है 231, उसी आधार पर आपने देखा कि यदि उसमें कोई एक ऑप्शन न रहे तो स्ट्रक्चर वही रह जाएगा, बशर्ते उसी को जो न रहे उसको हटाकर रेस्ट कॉम्बिनेशन लागू कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा, यदि भिन्न भिन्न तरह का पर्सन एक साथ रहा तो हमारे पास तो एक यूनिवर्सल रूल मिल गया, कौन सा? तो 2 3 1, यह जनरल कॉम्बिनेशन माना जाता है। जनरल कॉम्बिनेशंस का बात करेंगे तो 2 3 1 का कॉम्बिनेशन होता, परंतु यदि कहीं डिफरेंट तरह के पर्सन एक साथ रहें और इनमें कंडीशंस क्या हो तो सारा का सारा प्लूरल हो, आई का प्लूरल वी, यू तो खुद प्लूरल है, और यदि थर्ड पर्सन भी प्लूरल हो जाए, बॉयज दे दे, गर्ल्स दे दे, या दे यूज कर दे, तो ऐसी स्थिति में बॉयज गर्ल्स पेंस कार्स कुछ भी यूज कर दें, थर्ड पर्सन प्लूरल या दे का प्रयोग कर दें तो भी प्लूरल, जब सब प्लूरल रहे तो ये फॉर्मूला आपका ध्वस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका एक नया फॉर्मूला आता, उस फॉर्मूले का नाम है 1 2 3। 1 2 3 का फॉर्मूला ध्यान दें, दो जगह ऐसे नियमों पर आता है। जब टोटल प्लूरल रहे तो 1 2 3 का प्रयोग होता, एक और जगह ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, कि यदि डिफरेंट टाइप के पर्संस एक साथ रहें और वो सेंटेंस में कहीं रिपेंटेंस का बात हो, पश्चाताप कर रहा हो, किसी गिल्ट का, किसी क्राइम का कन्फेशन कर रहा हो, या यदि अफसोस का भाव आता हो, तो या चाहे उसमें सेंस आ जाए कन्फेशन का या किसी गिल्ट का बात आ जाए, तो याद रखा जाए, फिर ऐसी स्थिति में भी फॉर्मूला 1 2 3 का ही होता। जनरल स्ट्रक्चर जो है 2 3 1 है। यदि टोटल प्लूरल स्ट्रक्चर में आने लगे तो 1 2 3 है। यदि अपने किसी गलती को स्वीकार कर रहा हो, पश्चाताप कर रहा हो, या कोई कन्फेशन, वही कहिए कन्फेशन हो, तो ऐसी स्थिति में भी 1 2 3 का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 का डबल यूज है और बाकी रेस्ट जो है वो सब 2 3 1 है। कुछ राइटर्स इसमें 3 2 1 के फॉर्मूले पर भी बात करते हैं, कुछ राइटर्स 3 2 1 के फॉर्मूले पर बात करते हैं, लेकिन एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करता। ध्यान रखा जाए, आपको जनरल रूल 2 3 1 मानना है, रेस्ट जितने हैं वो सब कौन है, 1 2 3, प्लूरल फॉर्म में भी 1 2 3, और कन्फेशन हो, गिल्ट हो, अपराध बोध हो, अपनी गलती स्वीकारनी हो, तो वहां पर भी 1 2 3 का प्रयोग होता। पढ़ते हैं आगे, ध्यान दें, कह रहा है कि इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्संस, इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्संस कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस एंड ऑल आर प्लूरल आर अरेंज्ड इन 1 2 3 ऑर्डर, यदि सभी प्लूरल रहे तो उनका संरचना 1 2 3 के ऑर्डर पर होना चाहिए। देखिए, यू प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो ये ऑर्डर तो हो गया, फिर कौन सा, तो 2 1 3 हो गया, तो ये कभी एक्सेप्टेबल होगा? तो नहीं होगा। क्यों, अब किस लिए यहाँ नहीं होगा, अभी थोड़े पता चलेगा, पढ़िए आगे। तो यू वी एंड दे विल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, हम लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब सोचिए, ये सब प्लूरल है, तो प्लूरल है तो 2 1 3 नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, वी यू एंड दे। अब 1 2 3 हमारा सही हो गया, अतः सावधानी से पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट होना सही। अब ध्यान दिया जाए, वी यू एंड दे विल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, अब सही हो गया। इसी स्टेप को जो अभी अभी चर्चा किए हैं उस पर देखिए, टू शो अपोलॉजी
अपलजी होता है क्षमा मांगना, अपलजाइज होता है, उसी से अपलजी बना। और सेंस ऑफ एरर कमिटेड, यदि अपनी कुछ गलती हो, उसको कन्फेशन हो, उस पर अफसोस हो, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर अरेंज्ड इन 1-3 ऑर्डर। ये दोनों जगह पर 1-3 का प्रयोग करते हैं, और जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 2-3-1। ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है क्या कि यू एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर, इस गलती के लिए आप और हम जिम्मेदार हैं। तो एक बात बताइए, इसमें भी तो 1-3 है, फर्स्ट पर्सन ना रहा तो फर्स्ट पर्सन, 1-3 में फर्स्ट पर्सन ना रहे तो 23, सेकंड ना रहे तो 13, और यदि थर्ड ना रहे तो क्या हो जाएगा, 12। तो अब उसी आधार पर देखेंगे तो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर, इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। तो बताया जाए गलती का बात हो रहा है, वो कन्फेस कर रहा, तो पहले क्या होगा आई, तब क्या होगा यू, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। ही एंड यू स्पॉइल्ड द पार्टी, वह और आप दोनों मिलके पार्टी बर्बाद कर दिए। तो ये कन्फेशन है, एक तरह से गिल्ट का बात हो रहा है। तो बना क्या, सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, और तब आया एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। ही एंड आई विल बेग सॉरी फॉर द मिसचीफ, वो और मैं दोनों माफी मांगेंगे अपनी गलती के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, कन्फेशन है, सॉरी फीलिंग का है, तो होना चाहिए आई एंड ही का प्रयोग किया जाएगा। आशा करते हैं ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ऐसे इसको समझने का एक दूसरा तरीका समझिए, ध्यान दीजिएगा, एक तकनीक और भी है इसको समझने का, जरा सा शिष्टाचार की भावना अपने अंदर डाल के और तब देखिए। यदि किसी अच्छे कार्य के लिए आपको श्रेय लेना या देना हो, तो जिससे बात करते हैं उससे अब अगर बात करने लगे श्रेय लेने देने में, तो सबसे पहले उसका नाम लेंगे, अरे आप भी थे यार, वो भी था, हम भी थे। अपना नाम अच्छे काम में सबसे पीछे लेंगे, सबसे पहले सामने वाले का नाम लेंगे, फिर जो वहां न हो उसका नाम लेंगे, फिर उसके बाद अपना बात करेंगे। और जब कहीं गलती पर अगर कन्फेस करना हो, तो शिष्टाचार कहता है कि सबसे पहले कह रहे मैं भी था यार, आप भी तो थे, वो भी था। ऐसी स्थिति में पहले अपने को कहेंगे, फिर सामने वाले को कहेंगे, फिर किसी अन्य को कहेंगे। तो यही तो फॉर्मूला यहां है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा सा कुछ मुद्दा को संभालिएगा, धोखा होता है। कैसे, तो यदि हमारा पहला लड़ाई तो ये 2-3-1 वर्सेस 1-3 का चलेगा, कभी कभी ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म भी तंग करते हैं। ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म कैसे है, तो जरा सोचे, मैं अपना वादा पूरा किया हूं, आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। तो आई के लिए माई यूज कर दिए। यदि मैं कहूं कि आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, तो ऐसी स्थिति में आई के लिए यहां पर आगे आया माई, आपने अपना वादा पूरा किया है, यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस। आज यदि मैं कहूं कि राजीव अपना वादा पूरा किया है, तो राजीव हैज केप्ट हिज प्रॉमिस। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, आई के लिए माई यूज किए, यू के लिए योर यूज किए, राजीव के लिए हीज यूज किए, यानी पोसेसिव में पर्सनल फॉर्म यूज किया गया यहां पर। तो पर्सनल पोसेसिव में नहीं, जहां भी यूज करना होगा तो आई के लिए यूज करना होगा, तो फिर उसका फॉर्मेट पोसेसिव में तो माई ही होगा ना, यू का योर ही ना होगा, ही का हीज ही होगा, या राजीव का हीज ही होगा। लेकिन खेल का खेले आ कि कह दे आ कि यू राजीव एंड आई हैव केप्ट,
हम तीनों ने वह अपना प्रॉमिस निभाया है, वादा पूरा किया। अब बोलिएगा कि तीनों मिलाकर किसका प्रॉमिस होगा। अब यही स्टेप आगे आपको बताने जा रहे हैं। यदि कहीं डिफरेंट तरह के पर्सन्स एक साथ रहें और उनका ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म तैयार करना हो, चाहे सब्जेक्ट के रूप में, चाहे पसेसिव के रूप में, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, जब ज्वाइंट पसेशन उनका तैयार करना हो तो उसमें थोड़ा सा आईक्यू लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और देखिएगा कि उनके बीच में फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। तो यदि फर्स्ट पर्सन हो तो उनका ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म वी ग्रुप लगेगा, यानी वी आवर आवर्स अस। यदि उनके बीच फर्स्ट पर्सन ना रहे तो ना रहेगा तो सेकंड और थर्ड रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उनका ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म यू ग्रुप लगेगा, यू योर योर्स और यू। इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन वी हैव टू यूज ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म वी ग्रुप, एंड इन द ऑब्सेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन वी हैव टू यूज ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म यू ग्रुप। यदि भिन्न भिन्न तरह के पर्सन एक साथ रहें और उनमें फर्स्ट पर्सन भी उपस्थित हो तो उनके लिए ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म वी ग्रुप। जैसे सोचिए यू राम या यू राजीव एंड आई हैव केप्ट आवर प्रॉमिस, हम लोगों ने अपना प्रॉमिस निभाया। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन भी है, आई दिख रहा है, ऐसी स्थिति में आवर हो गया। अब जरा सा सोचें, इसी में सब्जेक्ट बना रहे हैं, ज्वाइंट सब्जेक्ट। यू राजीव एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड व्हाट एवर वी कैन, आपने राजीव ने और मैंने योगदान दिया है जो भी हम दे सकें। तो तीनों मिलाकर यदि हम यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है तो वी यूज किए हैं, सब्जेक्ट के रूप में पसेशन रहता तो आवर होता। अगर यही फर्स्ट पर्सन हट जाए और कहे कि यू एंड राजीव हैव केप्ट, तो योर प्रॉमिस हो जाएगा। यू एंड राजीव हैव कंट्रीब्यूटेड व्हाट एवर यू कैन का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब देखिए ये कैसा गेम किया कि आपको बिच्छू के स्टाइल में अटैक किया। बिच्छू के स्टाइल में देखिए, आगे से काट रहा है, पीछे से डंक मार रहा है, यानी या तो ये ऑर्डर गड़बड़ाएगा या यह ऑर्डर गड़बड़ाएगा। दोनों में से कोई भी ऑर्डर गड़बड़ाएगा, धोखा तो होना तय है। याद रखिएगा, इसी चीज को आपको यहां पीडीएफ के माध्यम से देखना है, थोड़ा सा विचार कीजिए। कह रहा है क्या है कि इफ टू और मोर देन टू प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस सो देयर ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म इन फॉलोइंग वेज, निम्न तरीके से उनका पर्सनल फॉर्म बनता है, ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म। देखिएगा कैसे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन वी ग्रुप, अभी अभी आपको चर्चा किया है कि अगर फर्स्ट पर्सन भी दिखेगा तो वी ग्रुप यूज करेंगे। जैसे अब कह रहा है क्या कि यू एंड आई देख रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है, हैव परफॉर्म किसकी ड्यूटी, तो ज्वाइंट फॉर्म के क्या हो गया, आवर ड्यूटी। किस आधार पर आवर ड्यूटी हुआ, तो फर्स्ट पर्सन दिखा इसलिए हुआ। ये कह रहा है कि सीता एंड आई, देख रहे होंगे कि यहां पर फर्स्ट पर्सन फिर दिख रहा है, तो सीता एंड आई आर गोइंग टू सेल आवर फ्लैट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो क्या होना चाहिए, ज्वाइंट फॉर्म आवर। You and I must donate whatever we can. अभी अभी तो बात बोल रहे थे तो you and I हो गया। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि you से आप कहीं दिक्कत में फंसे, यहां पर भी तो बात यही आया, यहां भी यही चीज देखे थे, फर्स्ट पर्सन दिखा तो फिर वी ग्रुप, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, यही वी का पसेसिव यहां पर है। यू हरी एंड आई तीनों आ गया, फिर भी तो हमारा आई दिख रहा है ना। विल सपोर्ट द विलेजर्स व्हेन एवर वी फाइंड, तीनों को मिलाकर वी हो गया। कब? जब फर्स्ट पर्सन दिखा तब। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाइए इस पर। ध्यान दे, इन द ऑब्सेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन
यदि फर्स्ट पर्सन न हो तब क्या करें? यू ग्रुप यानी यो योर योर्स यू यू एंड मोहन। देखिए इस फॉर्मेट में आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, नहीं है तो क्या यूज किया गया कि यू एंड मोहन हैव फेल्ड टू डू योर ड्यूटी, क्योंकि दोनों मिलाकर अब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो इनका ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म क्या होना चाहिए? योर होना चाहिए। पॉसेसिव में बात करेंगे तो योर हो जाएगा, सब्जेक्ट में बात करेंगे तो यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी बात करेंगे तो यू हो जाएगा। देखा जाए यू एंड ही फिर भी यहां फर्स्ट पर्सन नहीं है तो कहना पड़ा मस्ट डोनेट वॉट एवर यू कैन सब्जेक्ट के रूप में। यू एंड हर यहां भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में विल सपोर्ट द विलेजर्स व्हेन एवर यू फाइंड ए चांस, जब भी आप चांस पाते आप सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यू एंड हरी के साथ ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म यू ग्रुप यूज किया। आगे जो स्टेप पर चर्चा कर रहे हैं उसको विचारिए। अब एक तरह से पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक प्रकार है पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें सब्जेक्ट तो देखने में कई होंगे लेकिन मूल उसका पैरेंट सब्जेक्ट अलग होगा, उसको पैरेंथेटिकल कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज से जुड़ जाए, along with से जुड़ जाए, with से जुड़े, and not से जुड़े, rather than से जुड़े, except से जुड़े, like से जुड़े, in addition to से जुड़े, together with से जुड़े, accompanied by से जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि इनसे वह जुड़ रहा है as well as से, along with से, बहुत सारा अभी चर्चा हम किए, तो इसका parenthetical subject first part होता है। मतलब ऐसी स्थिति में वर्ब लगाना होगा तो भी फर्स्ट के अनुसार, और यदि प्रोनाउन भी अप्लाई करना पड़े तो फर्स्ट पार्ट के अनुसार ही अप्लाई किया जाएगा। जरा सा सोचिएगा, अगर मैं कहूं आई एज वेल एज यू, तो अब बताया जाए कि आगे वर्ब लगाना हो तो क्या लगाएं, आर लगाएं कि एम लगाएं कि इज लगाएं, तो नो डाउट हमारा एज वेल एज से जुड़ेगा तो ये पैरेंथेटिकल होगा। ऐसी स्थिति में यू के बाद भी एम लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट कौन है? आई। आई एज वेल एज यू एम एबल टू परफॉर्म। अब किसका टास्क? माई टास्क कि योर टास्क? तो ऐसी स्थिति में फिर सब कुछ प्रोनाउन भी आई के अनुसार लगेगा तो योर नहीं माई का प्रयोग होना चाहिए। सीता एलोंग विद हर फ्रेंड्स, सीता एलोंग विद हर फ्रेंड्स हैव लगाएं कि हैज लगाएं, तो जी नहीं एलोंग विद से जुड़ा, तो ऐसी स्थिति में सीता इसके पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट बनी और सीता के अनुसार हैज का प्रयोग होगा, फ्रेंड्स को तरजीह अब नहीं दिया जाएगा। सीता एलोंग विद हर फ्रेंड्स हैज केप्ट देयर प्रॉमिस और हर प्रॉमिस, तो हर प्रॉमिस होना चाहिए यानी फर्स्ट वाले को तरजीह दिया जाता। आप कहिएगा कि सर ऐसी संरचना में तो पहले आप 2, 3, 1 दिखाए, इसके बाद 1, 2, 3 दिखाए, तो देखिएगा 1, 2, 3 या 2, 3, 1 जो भी ऑर्डर आया था वो आपस में कमा या एंड से जुड़ेगा, वो कमा या एंड से जुड़ा था। और ये अलग तरह का पैटर्न है कि यदि कोई दो सब्जेक्ट करा कि टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एज वेल एज along with and नहीं बोला हूं एंड नट बोला हूं, एंड से जुड़ जाएगा तब तो फिर पुराना नियम पर चला जाएगा, एंड नट से जुड़ जाए, rather than से जुड़े, except से जुड़े, like से जुड़े, in addition to से जुड़े, together with से जुड़े, accompanied by से जुड़े, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है क्या कि use their verb and personal pronoun form according to the number, gender and person of the first part। पहले पार्ट के अनुसार आपको प्रोनाउन भी लगाना पड़ेगा, पहले पार्ट के ही अनुसार वर्ब भी लगाना पड़ेगा। ध्यान दें, कह रहा है कि सीता
सीता एज वेल एज हर ब्रदर। अब देखिए एज वेल एज से दो टॉपिक जुड़े, अब जुड़ गए तो हमारा मूल टॉपिक कौन कहलाएगा, मूल सब्जेक्ट कौन कहलाएगा, तो फर्स्ट वाला यानी सीता। अब सीता के अनुसार क्या यूज किए, तो हैज यूज किए। अब तो कहिएगा कि ब्रदर के लिए भी हैज ही लगता, हम मानते कि ब्रदर के लिए लगता, लेकिन यहाँ मूल हमारा पैरंथेटिकल सब्जेक्ट कौन आया, सीता। अब कहें कि सीता एज वेल एज हर ब्रदर हैज परफॉर्म्ड ये हिज ड्यूटी, तो ये हिज तो ब्रदर के लिए हो जाता, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। वहां बना कि सीता एज वेल एज हर ब्रदर हैज परफॉर्म्ड हर ड्यूटी, और तब देखिए सेंटेंस आपका यहां सही हो गया। यानी इनमें प्रथम वाले के आधार पर सब कुछ ऐड करेंगे। साहिल एलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, एलोंग विद से जुड़ गया, तो सेकंड वाले को तरजीह थोड़े देंगे, प्रथम वाला साहिल के आधार पर किए, तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ वर्ब भी गलती है, यहाँ प्रोनाउन भी गलती है। वर्ब हैव लगा दिया तो साहिल के साथ हैव नहीं होगा, क्या होना चाहिए, तो साहिल एलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। जनरल सेंस में तो लोग उल्टा समझ लेंगे, कहेंगे कि सीता एलोंग विद हर ब्रदर, तो ऐसी स्थिति में सीता साथ ही साथ उसका भाई, तो लोग कैलकुलेशन निकाल लेंगे कि दो आदमी हैं, प्लूरल बना दीजिए, नहीं एंड से जुड़ेगा तब प्लूरल बनाइएगा, एज वेल एज एलोंग विद विद ये सब में सेंस ज्वाइंट निकालने का जरूरत नहीं, उसमें पैरेंथेटिकल काम करता, अतः फर्स्ट वाले को तरजीह दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। हम बोले हैं आपसे कि आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक से रिलेटेड होगा और आपके रेंज में नहीं होगा, ध्यान दें। पैरेंथेटिकल के नेक्स्ट स्टेप पर बात कर रहा हूं कि यदि कहीं दो सब्जेक्ट आपस में और से जुड़ जाएं, नॉर से जुड़ जाएं। अच्छा, तो और नॉर जब हम कहेंगे तो उसको इधर और नीदर नॉर भी समझ सकते हैं आप, उसमें भी तो है, या नॉट ओनली, नॉट ओनली बट अल्सो से जुड़ जाए, तो याद रखिएगा इसके साथ उसी पार्ट को हम तरजीह देंगे जो वर्ब के सबसे नजदीक हो। तो वर्ब के नजदीक कौन रहेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सेकंड वाला, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो उल्टा हो जाएगा, वह बाहर आ जाएगा तो उसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा। एक बार फिर से, यदि कोई दो सबजेक्ट एज वेल एज एलोंग विद विद एंड नॉट रेदर ये सब में जुड़ा तो सब कुछ प्रथम वाला के आधार पर, लेकिन यदि और नॉर नॉट ओनली बट अल्सो से, इधर और निधर नॉर नॉट ओनली बट अल्सो से जुड़ जाए तो उसी पार्ट को तरजीह दिया जाएगा जो वर्ब के सबसे नजदीक हो। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता, मतलब सेकंड वाला वर्ब के नजदीक होगा, और यदि इंट्रोगेटिव करेंगे तो वह बाहर आ जाएगा तो फर्स्ट वाला को तरजीह देंगे। अतः हम फर्स्ट वाले का सिंटेक्स में बखूबी चर्चा करेंगे, अभी इतना बात कह रहे हैं कि आप सिंपल बात समझिए कि यदि और नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ही सबसे जुड़ जाए तो आप सेकंड वाले को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में तरजीह देंगे। ध्यान दें, मोहन नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सीता, तो अब ऐसी स्थिति में हम किसको तरजीह दें, तो सीता को तरजीह देंगे कि नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सीता हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी की हर ड्यूटी, तो हिज तो मोहन के लिए हो जाएगा जो गलत होगा, तो हर ड्यूटी बेहतर माना जाएगा, हर ड्यूटी सही होगा क्योंकि सेकंड पोजीशन पर वर्ब के नजदीक कौन है, तो सीता। ध्यान दीजिए, इसी टॉपिक को कह रहा है कि टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद और, इधर और नॉर नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज देयर वर्ब एंड पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर जेंडर एंड पर्सन ऑफ द सेकंड पार्ट, तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सेकंड पार्ट में होगा, इंट्रोगेटिव जाएगा तो फर्स्ट पार्ट के अनुसार हो जाएगा, लेकिन
मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ही इसमें यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव हो नहीं सकते, निश्चित होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव में होते, जिसमें सेकंड वाले को याद रखना आसान हो जाता। लेकिन आपको ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि उसी के अनुसार चलेंगे जो वर्ब के नजदीक होगा। ध्यान दें, नीदर मोहन नौर सीता। थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि नीदर के साथ मोहन लगा, नौर के साथ सीता लगा, यानी अब सेकंड वाला वर्ब कौन है? तो हैज। तो ऐसी स्थिति में वर्ब के नजदीक कौन आया? तो सीता आई। तो सीता के अनुसार हम चलेंगे, तो वर्ब किसके अनुसार आया? तो सीता के अनुसार हैज। परफॉर्म्ड किसकी ड्यूटी? तो हर ड्यूटी। अब मोहन का बात यहां नहीं रहा, सीता के अनुसार चले ऑनेस्टली। ध्यान दिया जाए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो ऐसी स्थिति में नॉट ओनली के साथ टीचर हैं, बट ऑल्सो के साथ स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखा जाए कि इन दो पार्ट में से वर्ब के सबसे नजदीक कौन है? तो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हैव का प्रयोग किए, मार्क्ड देयर स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल दे ग्रुप लगा दिए, देयर प्रेजेंस इन द रजिस्टर। यही बात तो हम आपको बार बार समझाने का कोशिश कर रहे थे। ध्यान दिया जाए, यही बात एक और तरीके से देखिए कि यदि उपरोक्त में यानी और नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के कंडीशन में एक सिंगुलर पार्ट और एक प्लूरल पार्ट जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमेशा स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, सिंगुलर फॉर्मेट को पहले रखेंगे और प्लूरल फॉर्मेट को बाद में। मतलब अब स्थिति में प्लूरल वाला के अनुसार सब कुछ चलने लगेगा सेकंड वाला। ध्यान दिया जाए, इसी चीज को नोट के में यहां दर्शाया गया है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि ध्यान रहे कि उपरोक्त से यदि एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल पक्ष जुड़ा रहे तो सिंगुलर पहले तथा प्लूरल बाद में रखा जाता। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि जनरली टू और मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्लूरल हो जाता, प्लूरल हो जाता तो इसके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल दे ग्रुप होना चाहिए। सोचा जाए, द बॉय एंड द गर्ल हैव परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी। हिज नहीं, हर भी नहीं, दोनों मिलकर प्लूरल हो गए तो क्या होना चाहिए? देयर ड्यूटी। थोड़ा सा विचार करें, मैं बोला हूं कि एंड से जुड़कर तो नाउन में आप बखूबी पढ़े हैं ना कि दोनों मिलकर प्लूरल हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल में दे ग्रुप हो जाएगा, दे देयर देम। यही चीज कह रहा है कि जनरली टू और मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड वी यूज पर्सनल प्रोनाउन इन प्लूरल फॉर्म दे ग्रुप। अब देखा जाए, सीता एंड मनोज एंड से जुड़े हैं, दो दोनों मिलकर प्लूरल हो गए तो क्या यूज किए? तो आर गुड फ्रेंड्स एंड दे रिस्पेक्ट इच अदर, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो दोनों एंड से जुड़े हैं तो एंड से जुड़ के प्लूरल हो गए, तो पर्सनल प्रोनाउन का जरूरत पड़ गया तो कौन सा यूज किए? दे ग्रुप दे। ध्यान दिया जाए, अभी आगे कुछ ऐसी कंडीशन एक पेश कर रहे हैं जिसको ठीक से देखिएगा, यहां पर दुविधा हो सकता। ऐसे नाउन में पढ़े हैं आप, एक से ज्यादा पोस्ट रहे, केवल पहला वाला में आर्टिकल लगा रहे तो वो सिंगुलर रहता है, वो भी सिंगुलर लेता। पढ़े हैं, एक से ज्यादा पोस्ट रहे, केवल पहला में आर्टिकल रहे तो वह सिंगुलर रहता है, वर्ब सिंगुलर लेता, तो सिंगुलर रहेगा तो फिर उसके लिए ही सी इट ग्रुप, तो पोस्ट तो व्यक्ति ही होगा, ही सी ग्रुप का प्रयोग करेंगे। और एक से ज्यादा अगर रहे और आर्टिकल भी एक से ज्यादा हो जाए तो अब जितना आर्टिकल उतना व्यक्ति पढ़े होंगे तो वह प्लूरल हो जाता है, प्लूरल होगा तो फिर दे ग्रुप होगा। आप पढ़े हैं कि द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। ध्यान दिया जाए, द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, इसका मतलब कि एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और प्रेसिडेंट भी है। द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज हैव नहीं, हैज सिंगुलर हो गया, हैज मार्क्ड देयर प्रेजेंस नहीं बल्कि हीज प्रेजेंस इन द रजिस्टर। ऐसी स्थिति में एक ही पोस्ट, दो दो पोस्ट पर
एक ही व्यक्ति विराजमान है, अतः उनके लिए हम वर्ब सिंगुलर लगाए और प्रोनाउन भी जरूरत पड़ा तो ही या सी ग्रुप सिंगुलर यूज किए। जबकि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज हो जाए तो दोनों मिलकर प्लूरल हो जाएंगे कि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज हैव, वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल, दे ग्रुप हो जाएगा तो द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज हैव मार्क्ड देयर प्रेजेंस इन द रजिस्टर। तो यही बात समझा रहा था मैं। इसी आधार पर यदि नॉन लिविंग पर चर्चा करने लगे तो अलग अलग एडजेक्टिव का दौर आने लगे। आर्टिकल पर बात करेंगे कि ए रेड एंड वाइट पेन इज, ए रेड एंड ए वाइट पेन आर। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि आर्टिकल एक रहा तो सिंगुलर, तब तो नॉन लिविंग होगा तो इट ग्रुप सिंगुलर में, और यदि आर्टिकल एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल, तो फिर थर्ड पर्सन का ही सी इट, तीनों का तो प्लूरल दे ग्रुप ही होता। द पेन, या अगर कहें कि ए रेड एंड वाइट पेन इज लाइंग ऑन इट्स प्लेस, अब फिर कहें कि ए रेड एंड ए वाइट पेन, तो आर हो जाएगा, लाइंग ऑन देयर प्लेस का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब कि आर्टिकल जितने उतना हम उसका पॉइंट समझते, एक आर्टिकल है तो सिंगुलर, एक से अधिक आर्टिकल तो जितने आर्टिकल उतनी वस्तुएं उतने व्यक्ति आदि का, पोस्ट में होगा तो उतना ही व्यक्ति होगा, अगर एडजेक्टिव में होगा तो उतना ही वस्तु होगा, ध्यान दिया जाए। यही चर्चा आपको यहां दिखाया गया है, थोड़ा सा विचार करेंगे। इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वी यूज पर्सनल प्रोनाउन ही सी इट ग्रुप। वही चीज अगर सिंगुलर रहा तो ध्यान दें, ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में प्राय केवल फर्स्ट नाउन के साथ ही आर्टिकल रहता है। ध्यान दें क्या कह रहा है, थोड़ा सा विचारिए। द प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी, इसका मतलब आर्टिकल केवल प्रिंसिपल के साथ लगा है, तो एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और ट्रस्टी भी है। तो द प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी ऑफ द कॉलेज वाज नॉट नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी में लापरवाह नहीं था। तो ईमानदारी से बताइए, आदमी तो एक ही था, इसलिए वर्ब वाज लगा, आई इनके लिए पर्सनल फॉर्म यूज करना पड़ा तो हीज हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और ट्रस्टी भी है। लेकिन यदि यही एक से ज्यादा हो जाए, इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन बाई एंड रेफर टू टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वी यूज पर्सनल प्रोनाउन इन प्लूरल फॉर्म दे ग्रुप। यानी यदि आर्टिकल एक से ज्यादा हो जाए, मतलब व्यक्ति एक से ज्यादा की चर्चा उसमें इंडिकेशन होने लगे, वस्तु होने लगे, तो फिर दे ग्रुप हो जाता। ध्यान रहे कि ऐसी अवस्था में आर्टिकल्स का प्रयोग एक से अधिक नाउन्स के साथ किया जाता, ध्यान दें। इसी टॉपिक को यहां कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड द ट्रस्टी ऑफ द कॉलेज हैव, देखिए यहां भी दी लगा, इसमें भी दी लगा, यानी प्रिंसिपल कोई अलग है और ट्रस्टी कोई और है। अब इस स्थिति में दोनों मिलकर प्लूरल हो गए तो वर्ब भी प्लूरल, हैव परफॉर्म्ड, तो ज्वाइंट इनका पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, तो दे ग्रुप हो गया, देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। आशा करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि यदि कोई दो चीज एंड से जुड़ा हो और उस एंड में इच इवरी का कनेक्शन हो, इच बॉय एंड इच गर्ल, इच पेन एंड इच पेंसिल, इवरी पेन एंड इवरी पेंसिल, तो ऐसी स्थिति में भी इच इवरी आदि से यदि एंड का कनेक्शन मिले तो भी उसका फॉर्मेट सिंगुलर माना जाता, और जब सिंगुलर माना जाता तो उसके लिए फिर ही सी या इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता। यदि कहीं दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ा और एंड से जुड़ने के बावजूद वह ईच इवरी को कंटेन किया रहे, तो
ध्यान दें तो ऐसी स्थिति में उन्हें सिंगुलर ही फॉर्मेट वर्ब भी सिंगुलर दिया जाता और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही सी इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड आर प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी वी यूज पर्सनल प्रोनाउन इन सिंगुलर फॉर्म फॉर देम ही सी इट ग्रुप। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट एंड से जुड़ा तो, लेकिन इधर भी एवरी है इधर भी एवरी है, मतलब ये एवरी से जुड़ा हुआ तो अब एंड से जुड़ने के बावजूद वर्ब भी कैसा हुआ तो सिंगुलर। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज डूइंग, अब यहाँ प्रोनाउन क्या आया तो हीज का प्रयोग किया गया क्योंकि अभी अभी बोले हैं कि ऐसी स्थिति में ही सी इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता, तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज डूइंग हीज ड्यूटी ऑनेस्टली। ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ईच इवरी इधर निधर यानी ईच इवरी से अगर दो पार्ट एंड से जुड़े तो भी सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही सी। आप सभी एक बात और पढ़े हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। याद करें कलेक्टिव नाउन्स, हमने जूरी का नाम लिया था, कमिटी का नाम लिया था, गवर्नमेंट का नाम लिया था, हमने फैमिली का नाम लिया था, टीम का नाम लिया था, ऑर्केस्ट्रा का नाम लिया था, याद करें हमने चर्चा किया था। और एक चर्चा इसमें किया था नाउन चैप्टर में कि ये जब अपने होल कलेक्शन के रूप में यूनिट के रूप में आ जाए या ऑर्गेनाइजेशन का बात कहें जिस रूप में कहें अपने यूनिट के रूप में आ जाए तब ये तो सिंगुलर होते, और जब इनसे इनके सदस्यों का इंडिविजुअलिटी की बोध हो, इंडिविजुअल्स की चर्चा हो, तो इन्हें नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड माना जाता और ये प्लूरल हो जाते। जूरी इज भी सही है, जूरी आर भी सही है, फैमिली वॉज भी सही है, फैमिली वर भी सही है, इज भी सही है, आर भी सही, हैज भी सही, हैव भी सही, लेकिन कब, जब फैमिली एज ए यूनिट रहे तो सिंगुलर, अब फैमिली का मतलब फैमिली के सदस्य हो गए तो मल्टीट्यूड हो जाता प्लूरल। नाउन चैप्टर में आप ये बात पढ़ें। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, आपने जो देखा जूरी के बारे में देखा, आपने जूरी के बारे में देखा, आपने फैमिली के बारे में देखा, आपने टीम के बारे में देखा, बहुत सारा चीज आपने देखा है नाउन चैप्टर। याद रखा जाए कि जब ये कलेक्टिव नाउन के रूप में रहें यानी एज ए होल तो ये सिंगुलर होते, तो सिंगुलर होंगे तो ऑलरेडी ये किसी यूनिट के रूप में आएंगे तो ईट ग्रुप ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई संस्था के रूप में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में ये ईट ग्रहण करते। लेकिन याद रखा जाए कि जब ये अपने इंडिविजुअल्स की चर्चा करेंगे तो इनको नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड माना जाता, इनको नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड माना जाता। तब ये नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड जब हो जाते तो कैसे हो जाते, तो प्लूरल हो जाते, तो प्लूरल हो जाएंगे तो वही ईट फिर दे ग्रुप में बदल जाएगा। जूरी ने बहुत शानदार डिसीजन लिया है, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अभी जूरी यूनिट के रूप में है, जूरी ने अपना डिसीजन लिया है, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन प्रॉपरली। लेकिन अगर कहें कि जूरी अपना अपना सीट पर चली गई, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ली है, तो बताया जाए कि संस्था ने यानी जजों का वो पैनल जो है उसके सदस्यों ने ना अपना अपना स्थान ग्रहण किया, स्थिति में जूरी सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाता। तो द जूरी हैव टेकन इट्स सीट्स प्रॉपरली, नहीं अब देयर सीट्स होना चाहिए, जूरी हैव, जूरी हैज नहीं, जूरी हैव हो गया, द जूरी हैव टेकन
देयर सीट्स प्रॉपरली, यानी जब एज ए होल यूनिट रहा तो सिंगुलर इट ग्रुप, और जब मल्टीट्यूड के रूप में हो जाए सदस्य की चर्चा करें तो प्लूरल और दे ग्रुप का प्रयोग किया। ध्यान दें, इसी पॉइंट को यहां चर्चा किया गया है। कह रहा है कि इफ ए कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज ए होल, यदि किसी कलेक्टिव नाउन को एक पूरा यूनिट के रूप में दर्शाया जाए, द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर, बिल्कुल सिंगुलर रहना चाहिए, कब, जब एज ए होल रहे, एंड न्यूटर जेंडर यानी इट ग्रुप। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू इट्स ऑन फॉल्ट, आर्मी को भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा अपनी गलती से। तो वहां आर्मी एक यूनिट के रूप में, सेना के रूप में दर्शाया जा रहा। आर्मी का अर्थ यहां यह नहीं हुआ कि आर्मी का मतलब इसके सिपाही, नहीं, आर्मी को यूनिट बनाया गया। आज यदि मैं आर्मी का अर्थ उसके सिपाहियों का अगर लगा लेता तो वहां वर्ब भी प्लुरल होता और देयर भी लग जाता, दे ग्रुप लग जाता। आफ्टर ए डीप डेलिब्रेशन, कह रहा है कि गहन मंथन के बाद द जूरी गेव इट्स फेयर वर्डिक्ट, जूरी ने अपना सही फैसला सुनाया। तो जूरी यूनिट के रूप में है, सिंगुलर हुआ, फिर इट ग्रुप आ गया, इट्स वर्डिक्ट। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन वेरी सून, कह रहा है क्या कि कारवां जो है तुरंत अपने जगह पर पहुंचेगा। तो वहां यूनिट के सेंस में है तो फिर इट्स का प्रयोग हुआ। अब यही नोट के माध्यम से ध्यान दे, मल्टीट्यूड कह रहा है कि इफ ए कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, जब ये नाउन के नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में काम करे और कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, यदि अपने इंडिविजुअल्स की बात करने लगे, कंप्राइजिंग द होल यानी अपने पूरे यूनिट के सदस्यों का चर्चा करने लगे, तो ऐसी स्थिति में द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर इट मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर, यानी दे ग्रुप होना चाहिए। ध्यान दीजिए, द जूरी वेयर सीटिंग कंफर्टेबली इन देयर सीट्स, जूरी बड़े आराम से अपने जगह पर बैठी। एक बात बताया जाए, जूरी बैठी का मतलब उसके इंडिविजुअल्स बैठे, उसके सदस्य बैठे। ऐसी स्थिति में जूरी वर हो गया, प्लूरल हो गया। वर सीटिंग कंफर्टेबली इन देयर सीट्स यानी प्लूरल हो गया, तो इनके लिए पर्सनल फॉर्म भी दे ग्रुप लगा। The committee were divided in their opinion in this case and they put their different views. Committee आपस में मतभेद रखती थी और इसके बाद से कह रहा है क्या कि वो अलग अलग अपना विचार रखी। तो कमिटी अलग अलग विचार रखी, आपस में मतभेद था, इसका मतलब क्या है कि उसके इंडिविजुअल्स आपस में लड़े हुए थे। अब इस स्थिति में कमिटी जो है वह प्लूरल हो गया कि द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर, प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल, करेक्ट ओपिनियन इन दिस केस एंड दे पुट देयर, और उनके लिए जब हम सब्जेक्ट भी यूज करने लगे तो अब कमिटी जब इंडिविजुअल्स का बात किया तो प्लूरल दे, पसेशन किए तो देयर, यानी आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एज ए यूनिट, एज ए होल दैट इज सिंगुलर एंड इट ग्रुप, एंड एज ए मल्टीट्यूड इट मीन्स फॉर इंडिविजुअल्स दैट इज प्लूरल एंड दे ग्रुप। नेक्स्ट, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के स्ट्रक्चर्स भी आपको एग्जाम में धोखा दे सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस से टैग करके। यहां पर कुछ पॉइंट्स को एक साथ बताता हूं, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते होंगे। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोडक्शन में मैं बताया हूं डिस्ट्रीब्यूटिव के चर्चा में, ध्यान दें, यदि बात आ रही है कि यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का चर्चा कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यदि रहे, अकेला रहे, तो इसके लिए ही ग्रुप, सी ग्रुप या इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, एवरी वन हैज परफॉर्म्ड देयर टास्क की हिज टास्क, तो एवरी वन के लिए ही ग्रुप, हिज टास्क।
ईच हैज कंट्रीब्यूटेड वॉट एवर दे कैन की ही कैन या सी कैन। तो यदि कहीं ईच एवरी वन इधर निधर अकेला रहे तो उसके लिए ही सी इट ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान दिया जाए। अब बात आ रहा है कि यदि यही डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी वन इधर नीदर यदि यही फॉर्मेट अपने साथ ऑफ अस ग्रहण करे, मतलब ईच ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, यदि ऑफ अस कंस्ट्रक्शन में आ जाए तो इनके लिए पर्सनल फॉर्म वी ग्रुप हो जाता है, वी आवर आवर्स और अस। यदि यही डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ईच एवरी वन ईदर नीदर इनके साथ यदि ऑफ यू आ जाता है तो याद रखा जाए कि फिर यू ग्रुप में ही चला जाता। लेकिन यहाँ खतरा बड़ा है, यदि यही डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी वन ईदर नीदर और भी बहुत सारे हैं, अगर इनमें ऑफ देम आ जाए यानी थर्ड पर्सन या नाउंस आ जाए, होगा तो प्लूरल ही जो भी आएगा, अब ऐसी स्थिति में इनके लिए फिर आप कुछ दूसरा नहीं केवल ही सी इट ग्रुप का प्रयोग करते हैं, यही खतरा है, संभलिएगा। ईच एवरी वन इधर नीधर अकेला रहे तब तो ही सी इट ग्रुप अभी अभी आपने देखा है, लेकिन यदि इसी ईच एवरी वन इधर नीधर में ऑफ अस आ जाए, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक आदमी ने योगदान दिया है, अपना योगदान दिया है, ईच ऑफ अस हैज कंट्रीब्यूटेड वॉट एवर ही कैन कि वी कैन, तो ईच ऑफ अस के लिए वी का प्रयोग होना चाहिए। हर किसी ने अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाया है, हम लोगों में से ईच ऑफ अस हैज परफॉर्म्ड, अब हीज ड्यूटी नहीं आवर ड्यूटी का प्रयोग होगा, अकेला रहता कि ईच हैज परफॉर्म्ड तो हीज ड्यूटी, ईच ऑफ अस हैज परफॉर्म्ड तो आवर ड्यूटी, ईच ऑफ यू हैज परफॉर्म्ड योर ड्यूटी, ऑफ अस रहा तो वी ग्रुप, ऑफ यू रहा तो यू ग्रुप, थर्ड पर्सन आते ही फिर ही सी इट दे ग्रुप हो जा, ही सी इट ग्रुप हो जाता, ईच ऑफ देम हैज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी नहीं बल्कि हीज और हर ड्यूटी, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोग यहाँ फिर दे ग्रुप समझने लगते, देम देखकर प्लूरल देखकर, नहीं ही सी इट ग्रुप। आप चार फॉर्मेट याद रखिएगा, अकेला रहा ईच एवरीवन इधर निधर तो ही सी इट ग्रुप का प्रयोग करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ ऑफ अस रहा तो वी ग्रुप का प्रयोग करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ ऑफ यू रहा तो यू ग्रुप का प्रयोग करेंगे, और यदि डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ ऑफ देम या नाउन प्लूरल यानी थर्ड पर्सन रहा तो फिर सिंगुलर फॉर्मेट में लौट के आ जाएंगे, ही सी इट ग्रुप का प्रयोग किया। देखिएगा यही चीज आपको पीडीएफ के माध्यम से देखना होगा, कर आए यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच एवरी वन इधर नीधर गेट्स पर्सनल प्रोनाउन ही सी इट ग्रुप, तो जनरल बात हम आपको ये दर्शाए थे, ध्यान दिया जाए, ईच हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी हो सकता है, क्योंकि ईच मैस्कुलिन के लिए भी आ सकता है, फेमिनिन के लिए भी आ सकता है। ऑनेस्टली एवरी वन ऑफ देम हैज कंट्रीब्यूटेड हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस नोबल वर्क वॉट एवर ही और सी कैन, यहाँ पर ही और सी आ गया, अब इसी को फॉर्मेट आगे बढ़ाकर देखना होगा। अब नोट पर जरा चलते हैं इसी का, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऑफ अस का स्ट्रक्चर आ जाए तो वी ग्रुप, ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक कोई हैज डिसाइडेड टू पी पे आवर फीस रेगुलरली, तो ऐसी स्थिति में ईच ऑफ अस के लिए वी ग्रुप यानी आवर का प्रयोग हुआ।
यहां अगर इसमें ऑफ यू आ गया तो फिर यू ग्रुप ईच ऑफ यू मस्ट कन्वे योर का प्रयोग किया गया, ध्यान रखा जाए करा कि योर मैसेज क्लियरली। लेकिन जब यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर प्लूरल नाउन्स ले ले, प्रोनाउन थर्ड पर्सन ले ले, मतलब देम ले ले, तो फिर ही सी इट ग्रुप पर लौट कर आ जाता। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, यहाँ देयर टास्क लिखा हुआ है कि हिज टास्क, तो देयर होता तो गलत लिखा जाता, यहाँ हिज सही लिखा हुआ है। एवरी वन ऑफ देम हैज परफॉर्म, फिर यहाँ देयर ड्यूटी गलती हो जाता, यहाँ हिज ड्यूटी सही लिखा हुआ है। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दीजिएगा कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड भी बात देख लीजिए। वह प्रोनाउन जिसका अंत वन या बॉडी से हो, वन या बॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, यदि वन या बॉडी से हो तो इसके लिए पर्सनल फॉर्म ही ग्रुप आता है या सी ग्रुप आता है। ध्यान दीजिएगा, किसी ने अपना चाबी ऑफिस में छोड़ दिया है, समबडी हैज लेफ्ट देयर की कि हिज की, तो हिज की, समबडी के लिए हिज लगाया गया, समबडी हैज लेफ्ट हिज की इन द ऑफिस, समवन हैज लेफ्ट हिज पेन इन द क्लास, तो वन बॉडी से अंत करे तो ही या सी ग्रुप का प्रयोग करते, जबकि यह ही समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, थिंग से अंत होने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो इसके लिए फिर इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता। कुछ अपने स्थान पर जल रहा है यार, समथिंग इज बर्निंग ऑन इट्स प्लेस, वहां देयर नहीं, इट्स का प्रयोग होगा। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसका अंत वन या बॉडी से हो उसके लिए पर्सनल फॉर्म यूज करना हो तो ही या सी ग्रुप लगाएंगे, लेकिन यदि थिंग से अंत करने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे तो उसके लिए पर्सनल फॉर्म इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दीजिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा यहां देखें। समवन, समबडी, एनी वन, एनी बडी, नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरी बडी, इनके लिए पर्सनल फॉर्म कौन सा आया, तो ही या सी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, समबडी हैज लेफ्ट हीज और हर पेन इन द क्लास, समबडी पुरुष के लिए भी आ सकता, स्त्री के लिए भी आ सकता, तो हीज भी लगा, हर भी चल सकता है। लेकिन यही यदि समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग रहे तो इट ग्रुप आ जाता, समथिंग इज बर्निंग ऑन देयर नहीं बल्कि इट्स प्लेस, मैं अभी अभी बोला हूं, तो यहां समथिंग के लिए क्या यूज किए, इट्स ग्रुप, इट ग्रुप। अब आगे बढ़ता हूं, आप नाउन में भी एक बात पढ़े हैं, अब कॉन्सेप्ट आपके आसान हो जाएंगे। आप नाउन पढ़े हैं फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स, ए नंबर ऑफ, ये सब के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता, तो जब प्लूरल होगा तब तो फिर प्लूरल आपका थर्ड पर्सन दे ग्रुप यूज होगा, बॉयज या अ फ्यू बॉयज हैव लेफ्ट हिज पेन की देयर पेन्स इन द क्लास, कुछ लड़कों ने अपना क्लास में कलम छोड़ दिया है, तो अ फ्यू लगा हुआ है, तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन का जरूरत पड़े तो वो भी प्लूरल, यानी दे ग्रुप हो जाएगा। कह रहा है कि फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर का प्रयोग हुआ रहे तो दे ग्रुप का, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव मार्क्ड देयर प्रेजेंस इन द रजिस्टर, गिने चुने ना के बराबर हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर में अपना प्रेजेंस दर्शाया, तो जब फ्यू का प्रयोग कर दिए तो ऐसी स्थिति में दे ग्रुप का प्रयोग हुआ। जबकि आप पढ़े नाउन चैप्टर में कि जहां मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, इन सब का चर्चा हो तो अनकाउंटेबल के साथ आता, अनकाउंटेबल के लिए होगा तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो इट ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा। मच ऑफ द राइस इज रिमेनिंग ऑन देयर प्लेस, नहीं इट्स प्लेस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मच का प्रयोग करेंगे तो नाउन अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, फिर इट का प्रयोग किया जाएगा। यही बात कह रहा है कि मच, लिटिल रेफर टू प्रोनाउन इट ग्रुप, मच ऑफ द राइस इज रिमेनिंग ऑन इट्स प्लेस।
अब फिर बात कर रहे हैं एक पॉइंट और आप पढ़े थे ऑल सम मोस्ट ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता। जब ये काउंटेबल के लिए हो तो इन्हें प्लूरल माना जाता, वह प्लूरल दिया जाता, और अनकाउंटेबल के लिए हो तो इनको सिंगुलर फॉर्मेट माना जाता। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ऑल ऑफ द राइस इज, तो जब ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स करके प्लूरल हो गया, आर लगा दिए तो प्रोनाउन भी प्लूरल जाएगा यानी दे ग्रुप। आई ऑल ऑफ द राइस सिंगुलर हो गया, इज लगा दिए तो फिर प्रोनाउन वो तो नॉन लिविंग है तो इट ग्रुप। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड देयर क्लास एंड ऑल ऑफ द राइस इज रिमेनिंग ऑन इट्स प्लेस। याद रखा जाए ये ऑल सम मोस्ट का प्रयोग काउंटेबल्स के लिए रहे कराए कि इट इज रेफर टू द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द काउंटेबिलिटी। यदि ये काउंटेबिलिटी के लिए में आवे तो काउंटेबल्स के लिए हो तो दे ग्रुप, अनकाउंटेबल के लिए हो तो इट ग्रुप। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ काउंटेबल है वह प्लूरल दिया, हैव डन तो प्लूरल दे ग्रुप हो गया, देयर टास्क ऑनेस्टली। आई ऑल ऑफ द राइस इज रिमेनिंग ऑन इट्स हो गया, चावल के लिए यूज कर दिए तो ऑल ऑफ द राइस सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो फिर इट्स आ गया। आशा करते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन का सेशन समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिस किसी एग्जाम का आप तैयारी करते हो उस सब के लिए यह सुपर से ऊपर होगा, इस बात का अश्योरेंस है। जिसका बेसिक कमजोर होगा उसके लिए भी यह प्रभावी होगा, बॉटम टू टॉप आपको लीड किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लिया जाए, ध्यान दें। कह रहा है क्या कि दे आर सेइंग दैट, वे कह रहे हैं कि ही एंड यू विल प्ले फॉर इंडिया। उनका स्टेटमेंट है कि मैं वह और तुम भारत के लिए खेलेंगे। तो एक बात बताइए, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यस थर्ड पर्सन, यू सेकंड, तो 1-3-2 ऐसा कोई रूल था? तो नहीं, ये बनावट गलत है, सही होना चाहिए यू ही एंड आई, यानी 2-3-1 फॉर्मूला हो जाएगा। आपका आंसर कौन बनेगा? बी। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। हर किसी को हॉल में एंटर करने से पहले अपना पूरा नाम साइन करना होगा, उसने पूरा नाम लिखना होगा। तो एवरीवन के लिए जब यूज कर रहे तो एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम की हिज फुल नेम या हर फुल नेम। अभी अभी तो आप पढ़े हैं कि वन बॉडी से अंत करे तो ही या सी ग्रुप, अ थिंग वाला में जाए तो इट। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दें। आई हैड फर्स्ट गोन टू श्रीनगर, सबसे पहले मैं श्रीनगर गया था विथ माइन फैमिली। माइन का प्रयोग नाउन के ठीक पहले नहीं होता। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि माई एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है, तो नाउन के ठीक पहले माइन नहीं माई का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर माइन के जगह माई यूज करेंगे। इसका और हम चर्चा करेंगे केस चैप्टर में, केस चैप्टर जब बताऊंगा तो बखूबी इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। राहुल एंड मी आर प्लानिंग टू गो ऑन ए रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर। राहुल और मैं प्लान कर रहा सड़क मार्ग से मनाली जाने का अगली गर्मी में। तो देखिए आर वर्ब है, वर्ब के पहले जब भी आएगा तो फर्स्ट पर्सन तो यूज किया लेकिन नॉमिनेटिव केस आई होना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में मी नहीं आई का प्रयोग किया जाएगा। आप चार्ट में भी देखे हैं और आगे केस में फिर बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे आर टॉकिंग इन चाइनीज।
हम उन्हें नहीं समझ सके क्योंकि वो चाइनीज में बात कर रहे। तो एक बात बताइए, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, दे वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं, तो दे तो सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट के जगह पर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट के जगह पर वर्ब के बाद, तो वही दे किस में बदलेगा, देम में बदल जाएगा। तो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड देम होना चाहिए, ये आपको फिर केस में भी मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन में भी आप देखें। देखिए, Either the doctor or his assistants of that hospital failed in his duty. या तो डॉक्टर या तो उनके असिस्टेंट अपने ड्यूटी में फेल हुए हैं, तो इधर द डॉक्टर और हिज असिस्टेंट्स और नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब से जुड़ जाए, इधर और निधर नॉर से, तो सब कुछ सेकंड वाले के आधार पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, तो असिस्टेंट्स के आधार पर क्या आया, अब दैट हॉस्पिटल फेल्ड, तो हिज होगा कि देयर होगा, तो देयर ड्यूटी होना चाहिए। ये हिज तो डॉक्टर के लिए हो गया, आइए यहाँ और नॉर में सेकंड वाले के आधार पर चलना है, तो इसलिए हिज के जगह देयर यूज करेंगे, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्पाइट द मर्जर, विलय के बावजूद द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस, एयरलाइन ने बड़ी क्षति दर्शाई है, एंड इज अनेबल टू पे देयर एम्प्लाईज, और अपने एम्प्लाई को वो पेमेंट नहीं कर पा रही। तो अब बताया जाए कि एयरलाइन अपना ये यूनिट के रूप में, संस्था के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, तो उसके लिए देयर नहीं क्या यूज करेंगे, इट्स ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि यह यूनिट एज ए होल बात हो रहा है, अतः इट ग्रुप का प्रयोग होना चाहिए। आवर डॉग मे लुक फियर्स, हमारा कुत्ता भले ही भयावह दिखता हो, बट दैट वुड नॉट हर्ट टू ए फ्लाई, लेकिन वो मक्खी को भी अहित नहीं करेगा। तो एक बात बताया जाए, कह रहा है कि आवर डॉग मे लुक फियर्स, बट दैट लगेगा कि इट लगेगा, क्योंकि कुत्ता के लिए यहाँ इट का प्रयोग किया जाएगा। कह रहा है कि मेरा कुत्ता भले ही भयावह दिखता हो, लेकिन यह एक मक्खी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसी स्थिति में दैट के जगह इट का प्रयोग, आप पढ़े हैं कि जानवर के लिए इट का प्रयोग किया जाता। द पुलिस ऑफिसर इज सेइंग दैट, पुलिस ऑफिसर यह कह रहा है कि द इंक्वायरी कमिटी विल सबमिट हीज रिपोर्ट विद इन ए वीक, इंक्वायरी कमिटी एक सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो देखिए, पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि इंक्वायरी कमिटी अपना रिपोर्ट देगी, तो एज ए होल यूनिट का बात हो रहा है, ये कलेक्टिव नाउन है, मल्टीट्यूड का तो चर्चा नहीं कि उसके सदस्य का बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हीज कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर इज सेइंग दैट द इंक्वायरी कमिटी विल सबमिट हीज रिपोर्ट के जगह इट्स रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं जब कलेक्टिव नाउन यूनिट के रूप में रहे, तो इट ग्रुप, अ मल्टीट्यूड होता है तो दे ग्रुप पढ़े होंगे, तो इसलिए आंसर नंबर सी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली इज परफॉर्मिंग देयर रोल, नहीं हीज रोल होना चाहिए, क्योंकि ईच एवरीवन इधर निधर अकेला रहता है तो ही सी इट ग्रुप, ऑफ अस रहे तो यू ऑफ अस रहे तो वी ग्रुप, ऑफ यू रहे तो यू ग्रुप, अ थर्ड पर्सन रहे नाउन या प्रोनाउन, ऑफ देम या नाउन प्लूरल, तो फिर ही सी ग्रुप, तो यहाँ देयर के जगह हीज यूज करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। Keep watching, keep reading, be bold and be bold for examinations. Thank you, best of luck. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।